सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम आज करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उदयपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा के मद्देनजर जिले की राजस्व सीमाओं में नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। बता दें कि कलेक्टर अरविंद पोसवाल के ये आदेश 3 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 4 अक्टूबर को मध्य रात्रि तक लागू रहेंगे। सीकर में फेस्टिव सीजन को देखते हुए शहर में मेंटेनेंस के चलते लगातार बिजली कटौती की जा रही है। बता दें कि आज यानी 3 अक्टूबर को शहर के कई इलाकों में बिजली कटौती होगी। गेट 2025 रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि आज है। बता दें कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की आज यानी 3 अक्टूबर को ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन विंडो बंद कर देगा। कांकेर जिले के आम नागरिकों की आवश्यकताओं, शिकायतों व समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इसी के तहत आज यानी 3 अक्टूबर को दुर्गुकोंदल ब्लॉक के क्लस्टर दमकसा की ग्राम पंचायत लोहतर में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया है। बीकानेर में ओशो असंत ध्यान केंद्र बीकानेर के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत गीता पर ओशो द्वारा दिए प्रवचनों के आधार पर आज यानी 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक हंसा गेस्ट हाउस में आयोजित किया जाएगा। बता दें कि ओशो असंग ध्यान केंद्र मुक्ता प्रसाद की ओर से आयोजित हो रहे हैं। खाटू श्याम कस्बे में बाबा श्याम की महिमा को देश भर में फैलाने वाले भक्त शिरोमणि आलू सिंह महाराज की 35वीं पुण्यतिथि आज यानी 3 अक्टूबर को मनाई जाएगी। बता दें कि आयोजन की जानकारी देते हुए उनके पोते मोहनदास सिंह चौहान महाराज ने बताया कि श्री श्याम बगीची में भक्त शिरोमणि आलू सिंह महाराज की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। दशहरा मेला समिति की ओर से दशहरा मेले का आयोजन आज यानी 3 अक्टूबर से विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। बता दें कि समिति के अध्यक्ष राजू मीना ने बताया कि आयोजन 20 दिन तक चलेगा। ईवी इलेक्ट्रॉनिक कार की इसकी ऑफिशियली बुकिंग आज यानी 3 अक्टूबर सुबह 7:30 बजे से शुरू होगी। इसके लिए ग्राहकों को 11,000 रूपए की टोकन अमाउंट देना होगा। बता दें कि ग्राहक MG मोटर इंडिया की वेबसाइट के साथ अपने नजदीकी MG डीलरशिप पर इसकी बुकिंग कर सकते हैं। शक्ति आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्र की धूम आज यानी 3 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। बता दें कि देवी मंदिर और पंडालों को आकर्षक सजाया जा रहा है। शारदीय नवरात्रि पर घट स्थापना को लेकर सुबह में 30 मिनट और दोपहर में 45 मिनट के मुहूर्त श्रेष्ठ रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी 3 अक्टूबर से राजधानी की हवा खराब होने लगेगी। बता दें कि पिछले हफ्ते AQI ठीक हुआ था। वायु की गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी 204 तक पहुंच गया था। अब AQI 150 से 230 तक बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन 1932 में इराक यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ था। आज ही के दिन 1949 में भारतीय फिल्म निर्देशक JP दत्ता का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1977 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आज ही के दिन 1992 में गीत सेठी ने विश्व पेशेवर बिलियर्ड चैंपियनशिप जीता था। आज ही के दिन सन 2007 में भारतीय लेखक MN विजयन का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।